अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफाकत कियानी और आज मैं एक दफ़ा फिर से अमर ट्रेडर शॉप पर आ चुका हूँ रावलपिंडी 6 रोड में और मेरे साथ आज ताहिर भाई है। तो आज आप दोस्तों को जो है गेमिंग मॉनिटर जितने भी हैं, जैसे कि ये हो गया गीगाबाइट हो गया, सैमसंग हो गया, AOC या इस तरह के ब्रांड जितने भी हैं गेमिंग में, उन सब की ब्रांड न्यू की प्राइस आज आपको अपडेट करते हैं और देखते हैं कि अमर ट्रेडर पर कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं और क्या प्राइस मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ताहिर भाई, बताएं कि अभी पास ये गेमिंग में जितने भी मॉनिटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, इनकी आप क्या प्राइस दे रहे हैं और इनकी वारंटी वगैरह कितनी होती है या कितने हर्ट्ज़ में है और कौन सा पैनल है इनमें? रफाकत भाई, ऐसा है कि गेमिंग मॉनिटर तो काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, प्राइसेस भी काफ़ी चेंज आ गई है। ये जो प्राइसेस हम देंगे ये सिर्फ इस वीडियो के लिए होगी, अवेलेबलिटी इन स्टॉक होगी तो दे सकेंगे। इसमें जो जो मॉडल मेरे पास कुछ AOC में पड़े हैं, गीगाबाइट के, ASUS के कुछ मॉडल अवेलेबल हैं। ठीक है, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल और प्राइसेस कस्टमर से शेयर कर लेते हैं व्यूअर से। रफाकत भाई, इसमें जो मिनिमम हमारे पास स्टार्ट होता है गेमिंग मॉनिटर, ViewSonic का आता है, 144 Hz में IPS पैनल के साथ होगा, जो 24 इंच का। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है 56,000 है। ये लोएस्ट प्राइस से स्टार्टिंग है आजकल। और इसी तरह ऊपर आते हैं तो AOC का जो सबसे फेमस एक मॉडल था 24G2, ठीक है, वो ज़्यादा बिकता था। उसका जो नया मॉडल आया है 24G2 SP के साथ है, ठीक है, 165 Hz 1 ms के साथ IPS पैनल के साथ होता है। इस टाइम इसकी जो प्राइस मार्केट में चल रही है 66,000 है और एक साल की वारंटी होगी। और सेम इसी तरह आते हैं हमारे पास इसका नेक्स्ट जो वेरियंट आता है, ऊपर वाले को ले लें, 24 इंच में कर्व होता है, 165 Hz में कर्व मॉनिटर, किसी भाई को कर्व मॉनिटर में चाहिए तो ये ऑप्शन 24 इंच में हमारे पास अवेलेबल है। इस टाइम इसकी जो प्राइस है 24 इंच में कर्व में 58,000, ठीक है। आपको IPS जो होगा बॉर्डर लेस होगा। ये जो सब मॉनिटर मैं बता रहा हूँ ना, इसमें अभी फिलहाल सब बॉर्डर लेस हैं, अब ज़्यादा आई बॉर्डर लेस होते हैं। नॉर्मल में आपके पास ऑप्शन होता है, इसमें गेमिंग में नहीं है मेरे ख्याल से, मेरे पास सिंक वगैरह का इन सब में ऑप्शन है। जी, सिंक कंपेटेबल होता है, ठीक है। और इसी तरह इसमें अगर किसी कस्टमर को 27 इंच में ज़्यादा हर्ट्स चाहिए, 240 Hz में 27 इंच है, C27G2Z कर्व मॉनिटर होगा, 27 इंच में होगा और 240 Hz 0.5 ms के साथ, बिल्कुल लोएस्ट रिस्पांस टाइम के साथ भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो प्राइस सिस्टम है 95,000 है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पे हम अगर आते हैं तो ये एक ऑप्शन हमारे पास गीगाबाइट की है, नॉर्मल एडिटिंग वगैरह में, HP में है, गेमिंग मॉनिटर नहीं है, ज़्यादातर एडिटिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा मॉनिटर, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इस टाइम, शॉर्ट आइटम है, एक दो पीस ही अवेलेबल है हमारे पास। तो M27FW 27 इंच में IPS मॉडल होता है, 1080p के साथ होता है और इसकी जो प्राइस है इस टाइम 69,000 है, 27 इंच में 75 Hz होता है ये मॉनिटर। और इसी तरह नेक्स्ट में अगर हम आते हैं, सैमसंग की ओडेसी हमारे पास पड़ी है G3, कर्व में होती है 165 Hz और 27 इंच में कर्व्ड है, और इसकी जो प्राइस चल रही है 78,000 है और ये VA पैनल के साथ है, ठीक है। और इसी तरह नीचे आते हैं तो गीगाबाइट का एक ऑप्शन है हमारे पास M27FA, और लास्ट वीडियो में भी शायद एक बताई थी, 165 Hz IPS टाइप सी के साथ होती है और 1 ms रिस्पॉन्स टाइम, G-Sync कंपेटेबल होता है, 1080p के साथ होती है और इसकी जो प्राइस है 73,000 है। और इसमें सिमिलर थोड़ा सा डिफरेंस मॉडल होता है G27F2, ठीक है। इसमें ये है कि इसमें टाइप सी का ऑप्शन नहीं होता, प्राइस सेम है 73,000, स्पेक्स भी सेम है, IPS के साथ है, ठीक है, और 27 इंच 165 Hz के साथ है। तो ये है। और इसके अलावा हमारे पास अगर इस तरह 24 इंच में ASUS में अगर आते हैं तो ये VG258 ये अब थिन बेजल के साथ होती है, ये मॉडल जो है ये थिन बेजल के साथ होगा, TN पैनल है इस वजह से, और 25 इंच की 144 Hz के साथ 1 ms गेमिंग के लिए बेहतरीन LED होती है TN, और इसकी जो प्राइस है 65,000 है। अच्छा, 65,000 रुपये है, ठीक है। और इसी तरह इसका नीचे जाते हैं तो सेम मॉडल में 27 इंच का है पैनल, सब मॉडल में सेम है, 27 इंच के साथ है, 144 Hz के साथ है, है। और G-Sync कंपेटेबल होती है। उसकी जो प्राइस रफाकत भाई हमारे पास आ रही है 75,000, ASUS की LEDs काफ़ी प्राइसेस में महंगी हो चुकी हैं तो इस वजह से इनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह सेम अगर 2K में इस टाइम बहुत डिमांड है IPS की, वो अभी शॉर्टेज है, जो ऑप्शन 2K में हमारे पास अवेलेबल होंगे, इससे पहले जो सब बताई है 1080 के साथ, अगर कोई स्पेक्स में रेजोल्यूशन नहीं बताई तो वो सब 1080 वाले मॉडल बताए हैं। अब 2K में जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ASUS का स्ट्रिक्स है, XG32VC 175 Hz 1440p के साथ है, HDR के साथ होती है, 32 इंच कर्व डिस्प्ले होता है, ठीक है, 32 इंच कर्व डिस्प्ले के साथ, इसकी जो प्राइस है 160,000 रुपये है, ठीक है। और नेक्स्ट में लास्ट में हमारे पास जो मॉडल आ जाता है वो गीगाबाइट का अल्ट्रा वाइड में,
34 इंच क्यू, ठीक है, क्यू जी 34WQC A 1500 रेटिंग के साथ, हाँ 34 इंच अल्ट्रा वाइड होती है, ठीक है। डिजाइनिंग गेमिंग के लिए दोनों के लिए यूज़ होती है। 144 हर्ट्ज में 34 इंच है और कर्व डिस्प्ले के साथ होता है, और इसकी जो प्राइस है रफाकत भाई 125,000 रुपये है, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थे। इसके अलावा कोई मॉडल चाहिए भाई मैसेज कर लें, ज़्यादातर अवेलेबलिटी नहीं होती, कोशिश करेंगे अवेलेबल करवा दें। और इसके अलावा गेमिंग से रिलेटेड कोई पार्ट्स वगैरह चाहिए अपने स्पेक्स वगैरह हमें शेयर करें तो उसकी कोटेशन वगैरह भी दे सकते हैं। और अगर शॉप पे विजिट करना चाहते हैं तो भाई LG 23 लोअर ग्राउंड पे मिडवे सेंट्रम प्लाजा में हमारा एड्रेस है, स्टोर है, उस पर विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो आपने ऑनलाइन पेमेंट पहले देनी होगी, प्लस शिपिंग चार्जेस अप्लाई होंगे, तो पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी भी कर देते हैं।